हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के क्वेश्चन पेपर से। अब ये सारे स्पेलिंग एरर तो नहीं हैं, मगर ये कुछ ऐसे स्पेलिंग एरर्स हैं जो सेंटेंस की फॉर्म में पूछे गए थे। अभी जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020, सीएचएसएल 2021, सीजीएल 2020 प्रीलियम्स एंड मेंस और सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। टोटल 100+ क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व करवाए हैं रीसेंट क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम्स के। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा कि लेक्चर्स कैसा लगता है, और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं ये है स्पेलिंग एरर, राइट? तो पहले स्पेलिंग एरर कैसा पूछा जाता था? पहले नॉर्मली आपको चार क्वेश्चंस लिख के दे दी चार वर्ड्स लिख के दे दिए जाते थे। उसमें से कौन सा सबसे सही है या कौन सा सबसे गलत है ये फाइंड आउट करना होता था। तो सेलेक्ट दिस सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। इस बार क्या किया है, आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी एग्जाम में जाकर के, वो थोड़ा हड़बड़ा जाएंगे कि ये क्या दे दिया। सो चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो आपको ऐसा सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूछा गया है आपको पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। देखिए, जैसे पहला देखिए, ग्रैनी सैड दैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिलीशियस, अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें भी डिलीशियस, थर्ड में भी डिलीशियस और फोर्थ में भी डिलीशियस। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिलीशियस को पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। सो आप देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट इसको करिए ज़रा एक बार अटेम्प्ट। क्वेश्चन आप चाहें तो रफ पेज पे भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए करिए इसे, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देखिए, जब आप इसे देखेंगे तो एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन फोर में देखिए, यहाँ पे आई कहीं भी नहीं है, डिलीशियस में आई तो आता है, सो ये कैंसल हो गया। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं, सी आई होता है, सी आई ओ हो सकता है ना, सी ओ आई नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट में देखिए डिलीशियस, तो यहाँ पे ना सी आई ओ यू एस ये होता है, और डेलीशियस DELI। तो आप इस तरीके से आप इनको ब्रेक करके याद कर सकते हैं। थर्ड हमारा एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। सो क्या आंसर बचा हमारे पास, ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड, और इसकी स्पेलिंग सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना होगा तो आप कम टाइम में भी कर पाएंगे। चलिए अगला पॉज करिए और अगला पॉज करके इसको करिए। कर लिया आप सभी ने, देखिए, द फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप्स एंड मार्केट ड्रग्स। सो मुझे लग रहा है फार्मास्यूटिकल होना चाहिए, मैं ढूंढता हूँ। बिल्कुल, आप देखिए, ये फार्मास्यूटिकल मिल गया मुझे, ये फार्मास्यूटिकल मिल गया मुझे, ये फार्मास्यूटिकल मिल गया, ये फार्मास्यूटिकल मिल गया। 99% चांसेस हैं कि इसी में से आंसर होगा, लेकिन इन केस अगर टफ करने के लिए चारों सही करके कहीं और किसी ऑप्शन में गलत कर दिया किसी और वर्ड में, तो वो भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो फार्मा, पी एच ए आर एम ए, फार्मा तो हो गया आपका, आप देखिए क्या आप फार्मा से एलिमिनेट कर सकते हैं किसी को, तो नहीं, फार्मा से तो मैं नहीं कर सकता किसी को एलिमिनेट। आप देखिए सुटिकल, यहाँ पे सी का कोई सी या एस कुछ भी नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए फार्मायूटिकल, तो यहाँ भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फार्मास्यूटिकल, सुटिकल, तो सुटिकल गलत हो गया, एस नहीं आता, फार्मा सी ई यू सी यू
CUTICAL, सी आता है, एस नहीं। तो हमको पता चल गया हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इन्होंने सेंटेंस को लिख करके सेंटेंस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी तो कर दिया है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें आंसर जल्दी मिल जाता है, इन लोगों ने थोड़ा इजी कर दिया है। तो आप सोचिए कि एक तरफ ज़्यादा टाइम लगा रहा है लेकिन आंसर वो आपको सही दे रहा है, इजी दे रहा है। जैसे इसको पढ़िए, वैसे अगर आप नहीं भी पूरा पढ़ेंगे तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे कंपटीशन है। तो क्या आंसर हो सकता है? सो अब देखिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर सबसे पहले अगर मैं फोर्थ को एलिमिनेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, TTION तो नहीं आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। और देखिए किसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, पहले देखिए टीशन की स्पेलिंग होती है TION, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, TOIN, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन से आप याद भी रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो ई जरूर होता है कंपी। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला आंसर करेक्ट है, ये नहीं, इसमें तो ई कहीं पे है ही नहीं, सो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप अच्छे से थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। अगला देखिए, सेम नो स्पेलिंग एरर, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको प्रोडीजियस 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 और प्रोडीजियस, और आप अगर चारों की स्पेलिंग सेम है तब आप आगे जाएंगे, लेकिन अगर चारों की स्पेलिंग सेम नहीं है तो इसका मतलब गलती तो यहीं पे है कहीं ना कहीं, और किसी वर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडीजियस का मतलब होता है थोड़ा पावरफुल, बड़ा, एकदम बेहतरीन, ग्रैंडियस। सो प्रोडीजियस, अब आप इसको सबसे पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे? तो आप ऑप्शन नंबर फोर को देखिए, PRODIGIOUS, सो अच्छा यहाँ पे प्रोडे है, ई डी ई है कट गया हमारा, यहाँ पे जी ई है कट गया हमारा, PRODIGIOUS, PRODIGIOUS, तो UOS तो नहीं होता है ना, OUS होता है, ये कट गया, सो क्या बचा हमारा, PRODIGIOUS, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर PRODIGIOUS, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे देखिए, नेबर, अच्छा ये क्वेश्चन ना शायद इसमें भी पूछा गया था आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हमने काफी सारे किए थे स्पेलिंग एरर से रिलेटेड। उम्मीद है आपने कर लिया होगा इसको। देखिए नेबर की स्पेलिंग तो याद इजी हो जाएगा ना, NEIGH, सबसे पहले इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर NA लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया, NEIGH, BOUR होता है, सो BOUR, BOAR, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। और नेबर के बाद यहाँ पे अपोस्ट्रॉफ के बाद एस लगेगा, वो तो जब प्लूरल होता है कोई चीज़ तब हम अपोस्ट्रॉफी, एस में से अपोस्ट्रॉफी हटा देते हैं ना, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। इसको करिए, सबसे पहला काम तो यही है कि आप उस वर्ड को ढूंढिए जिस वर्ड में एरर आपको दिख सकता है, तो वैकेशन 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 वैकेशन, और स्पेलिंग अलग अलग है तो गलती फिर यही होगा, क्योंकि हमें तो स्पेलिंग नो स्पेलिंग एरर फाइंड करना है, मतलब इनमें से ही कोई एक सही होगा। सो वैकेशन में वी ई नहीं होता तो ये एलिमिनेट हो गया, के नहीं होता सी होता है, ये एलिमिनेट हो गया, एस एच यू एन नहीं होता, वैकेशन TION होता है, तो राइट आंसर हमको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कमेंट करके बताते भी जाइए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। देखिए अगला मैं अगर जल्दी जल्दी फटाफट देख लूं तो मुझे यहां पे तीन दिख गया, जोडियक, जोडियक राशि वगैरह होता है ना,
तो वाई नहीं आता, के नहीं आता, जो डी आई ए सी होता है, जो डी आई ए सी होता है, जोडियाक। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगर और भी कुछ आपको पूछना होगा तो आप ज़रूर मुझसे आई ए सी जोडियाक, यस आई ए सी, ये सही है। तो अगर कभी पूछना कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिएगा। अगला देखिए, ही हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज कंपिटिशन। सो कंपिटिशन में अभी हमने देखा था सी ओ एम पी ई होता है, अब पी ई कहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट हो गया। सी ओ एम पी ई पी हर जगह है। अब टीशन, टी आई टी आई ओ एन, कहाँ पे है? सो कॉम्पेशन, कॉम्पेशन कट गया आपका, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन। सो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कॉम्पिटिशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। हमने किया है ना ऐसे क्वेश्चन, एक अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। टेशन नहीं है, टेशन नहीं है, टीशन है, कंपटीशन। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर वन। आगे देखिए, अच्छा मैग्निफिसेंट 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 मैग्निफिसेंट, तो इसका याद रखिएगा सबसे पहले होता है मैग्नी। कहाँ कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ई लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। अब फिसेंट में यहाँ पे एस आई एस लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखिए एफ आई सी ई एन टी, एफ ई सी ई एन टी, एलिमिनेट हो गया, मैग्नीफिसेंट, मैग्निफिसेंट, बेहतरीन, बड़ा, यूज। सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर टू। आगे देखिए, रीडिंग स्टोरीज डेवलप्ड हर वोकैबुलरी। सो डेवलप्ड होना चाहिए, अच्छा वोकैबुलरी है। आप देखिए सारे चारों में हमको वोकैबुलरी मिल गया, और अलग अलग भी है, यानी कि इनमें से किसी एक में एरर जरूर है। तो वोकैब में सी के नहीं होता, एलिमिनेट हो गया। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, इसमें यू नहीं है, एलिमिनेट हो गया। वोकैब ब्लू, ब्लू लिखा हुआ है इसमें, बी एल यू है ना, ब्लू लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, बी यू एल ए आर वाई। यहां पे क्या लिखा हुआ है, आप देखिए बी एल यू लिखा हुआ है ना यहां पे, वोकैबुलरी नहीं होता ना, वोकैबुलरी होता है। सो राइट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फोर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, माला आस्क्ड स्टूडेंट्स टू एग्रीगेट एग्जांपल्स ऑफ मैनी केमिकल्स। एग्रीगेट्स हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। सो एग्रीगेट में आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले ए डबल जी होता है, एग्रीगेट, किसी चीज को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, एक साथ माउंट अप करना। तो यहाँ पे देखिए ए डबल जी नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ए डबल जी होता, अच्छा यहाँ पे डबल जी दो बार है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे डबल टी है, ये एलिमिनेट हो गया। सो एग्रीगेट, सिर्फ एक ही बार डबल जी होता है, फिर किसी भी अल्फाबेट का रिपीटेशन नहीं होता। तो क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फोर, काफी आसानी से आप देख सकते थे। आगे देखिए, व्हेन रीमा सॉ, आप मत भी पढ़िए पूरा, सिर्फ देखिए फटाफट कौन सा मैच कर रहा है, ये रहा। एक्सटसी, इसका मतलब होता है लाइक हैप्पीनेस। ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, ई सी एस होता है एक साथ, याद रखिएगा। कई बार सिर्फ सी लिख दे देंगे, या कई बार स्टार्टिंग में एस लिख देंगे, या कई बार एस सी लिख देंगे, जबकि ई और सी होता है। इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, ई सी एस होता है मतलब। सो अब यहाँ पे ए से स्टार्ट है ख़त्म, के है ख़त्म, एक्स है ख़त्म। सो एक्टसी का मतलब हो गया आपका हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। लाइक ऑल फ्लाइज मॉस्किटोज, मॉस्किटोज मॉस्किटोज, हर जगह मुझे मॉस्किटोज मिल गया। सो मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी आप आर्टिकल, कभी भी आप अल्फाबेट क्यू देखें, तो आप इस बात को फिक्स कर लें कि क्यू के बाद
यू जरूर आता है, इस बात को ध्यान रखें। तो जब भी कभी आप स्पेलिंग एरर देखें तो सबसे पहले देखिए कि क्यू कहाँ का, अगर क्यू मिल जाए ना तो क्यू के बाद सबसे पहले आप यू को देखिए, आप वहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यू तो हर जगह है क्यू के बाद। अच्छा यहाँ पे के है, ये एलिमिनेट, मॉस क्यू, MOQ। अच्छा टी ई ओ है यहाँ पे, तो टी ई ओ अपोस्ट्रॉफी एस कट गया यहाँ पे, मॉस्किटोज। अच्छा यहाँ पे आई नहीं है क्योंकि मॉस्किटो में तो आई लगता ही है, MOSQUITO, MOSQUITO, बाद में उसको प्लूरल करने के लिए ई एस लग गया, जैसे मैंगो का मैंगोज हो जाता है, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए कंपैरिजन दे रखा है अगला, अब आपको बताना है कौन सा स्पेलिंग सही है। तो देखिए कंपैरिजन में क्या होता है, डबल एस नहीं आएगा, आपने एलिमिनेट कर दिया, आई एस ओ एन नहीं आएगा, एलिमिनेट कर दिया, एस आई ओ एन नहीं आएगा, एलिमिनेट कर दिया। मुझे पता है आप में से कईयों ने पॉज करके अगर किया होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर दे दिया होगा, लेकिन सेकंड नहीं होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन। सो ये इसका राइट स्पेलिंग है। तो औलाद करके आप याद रख सकते हैं, कंपैरिजन की औलाद, तो ये याद रखने का हिंट है बस, एस ओ एन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री। आगे देखिए, निमोनिया कैन बी ट्रीटेड एट होम, निमोनिया हर जगह है, तो यानी निमोनिया में कहीं एक जगह एरर होगा, सॉरी एरर नहीं होगा। तो देखते हैं निमोनिया की स्पेलिंग, आपको लगता होगा कि एन ई से शुरू होता है लेकिन पी साइलेंट होता है, तो निमोनिया। सो देखते हैं कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, नियोनोमिया, मोनिया होता है ना यहाँ पे, तो नोमिया लिखा हुआ है तो एलिमिनेट हो गया मोनिया। ठीक है आगे देखते हैं, न्यूनोमिया, सो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, न्यूनोमिया, न्यूनोमिया ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि क्या है निमोनिया है ना, है कि नहीं? तो निमोनिया की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा क्या होगी, पी एन ई न्यू मोनिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरा एक बार नेसेसरी की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, आप लोग मुझे नेसेसरी की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, क्योंकि वो आई गेस मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, तो आप लोग मुझे नेसेसरी की स्पेलिंग लिख के बताइए। और अगर आप लोगों ने लेक्चर यहाँ तक देख लिया है तो डेफिनेटली आप, मतलब आपने सुन लिया कि आपको नेसेसरी की स्पेलिंग बतानी है, तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपका मिस्टेक होगा नेसेसरी की स्पेलिंग में तो मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवा दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर का ये दी एंड है, छोटा लेक्चर था, मैं सिर्फ उन स्पेलिंग एरर को आज इंक्लूड किया मैंने जो सेंटेंस फॉर्म में लिखे हुए थे। तो चलिए लेक्चर को यहीं स्टॉप कर देते हैं, आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।